गांव की मूलभूत आवश्यकताओं की कमी को सरकार तक पहुंचाने की मुहिम के चलते एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद अमरोहा के ब्लॉक हसनपुर में स्थित अग्रोला कला गांव पहुंचा। इस गांव की दूरी जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर है। वर्तमान में गांव के प्रधान मनीराम सिंह हैं। लगभग 6000 जनसंख्या व 1900 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है, लेकिन सरकार की अनदेखी के कारण गांव में काफी मूलभूत सुविधाओं की कमी देखने को मिल रही है। जैसे कि गांव में आज भी 350 वंचित राशन कार्ड धारक लाभार्थी हैं, साथ ही गांव में 30 विधवा पेंशन, 200 वृद्धा पेंशन, 10 विकलांग पेंशन लाभार्थी पेंशन से वंचित हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की करें तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी पाठशाला में लगभग 504 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। बात अगर विकास कार्यों की करें तो गांव में 55 हैंडपंप, 350 विद्युत पोल व 4 विद्युत ट्रांसफार्मर भी गांव में लगवाए गए हैं। वर्तमान ग्राम प्रधान की देखरेख में गांव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजा, पानी निकासी के लिए नाली व स्वच्छ भारत मिशन के तहत 405 इज्जत घर का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में खडंजा, सीसी टाइल्स रोड, पानी निकासी के लिए नाला, पंचायत घर, पानी की टंकी, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घर व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 110 आवासों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। हमारे गांव में बहुत सी समस्याएं हैं, जैसे कच्चे रास्ते, अवैध कब्जे और पानी की समस्या, नलकूप, टंकी, काफ़ी समस्याएं हैं और रास्ते भी काफ़ी कच्चे हैं। इन समस्याओं का समाधान होना चाहिए जल्द से जल्द।